दोस्तों, किचन कुक फोर में आपका स्वागत है। आज अपनी वीडियो में हम आपको बताएंगे तंदूरी मशरूम बनाने का तरीका, जो बहुत ही आसान और बहुत सरल है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल किचन कुक फोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन वाली घंटी को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, सॉरी दोस्तों, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको जो है मशरूम सबसे पहले कटिंग कर लेना है। जैसे मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पे। तो ये इसी तरीके से आपको आसानी से कटिंग कर लेना है दोस्तों। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको आपको सॉफ्ट हैंड से कटिंग करना है। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है और इसके बाद में हम इसको बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद में इसको पूरा रेडी करके यानी पका करके आपको दिखाएंगे, तो देखते जाइए। तो आपने कटिंग देखा, अब कटिंग करने के बाद में इसको हमने खूब अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, यानी आपको इसी तरीके से धो लेना है। और धोने के बाद में अब इसको हम उबालने के लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये भगोने में पानी लिया हुआ है और ये 1.5 चम्मच सादा नमक है और यहाँ पे ये देख रहे हैं 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डालकर उबालेंगे पहले। तो अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे 30 मिनट के लिए और इसके ऊपर आपको क्या करना है, ढक्कन बंद कर देना है। आप देखते जाइए इसी तरीके से। ये हमने इसको थोड़े का पता किया। तो अब हम यहाँ पे अपना चेक करेंगे मशरूम, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परफेक्ट हमारा मशरूम ये हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमने मशरूम अच्छे तरीके से उबाल करके निकाल लिया। अब इसको हम मसाला लगा करके आपको सेक करके बताएंगे, तो देखते जाइए हमारी वीडियो। हम आपको यहाँ पे तंदूरी मशरूम का मसाला बना करके दिखा रहे हैं और आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली जाएंगी, कितनी कितनी मात्रा है आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 500 ग्राम दही लिया हुआ है और इसके अंदर जो मसाले हम डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच किचन किंग पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसकी मात्रा आपको थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डालेंगे तो मसाला जो आप माल फेंकेंगे वो आपका माल जल जाएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पे हमने सादा नमक लिया हुआ है। और नमक बाद में आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, आप अपने टेस्ट अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर दिए और उसके बाद में ये देख रहे हैं सरसों का तेल यानी मास्टर ऑयल तेल भी इसको कहा जाता है। तो इसकी मात्रा हम इसके अंदर 150 ग्राम डाल रहे हैं और आपको इतना ही डालना है जो क्वांटिटी हम इसके अंदर बता रहे हैं, आपको सारी चीज़ें उतना ही डालना है। और ये देख रहे हैं अदरक लहसुन पेस्ट यानी इसको जीजा गार्लिक पेस्ट भी कहा जाता है, ये यहाँ पे हम 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं। और उसके बाद में ये है मिर्ची पेस्ट 1 चम्मच और उसके बाद में फिर से 1 चम्मच, ये आपको 2 बड़े चम्मच इसके अंदर डाल देना है। और ये देख रहे हैं और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है रेड कलर दोस्तों, ये खाने वाला कलर है, अच्छा कलर होता है और इसमें डाला ही जाता है। अगर आप ये डालेंगे नहीं तो आपका कॉपर बराबर से कलर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल दिए और लास्ट में आप देख रहे हैं ये हमारा अमूल फ्रेश क्रीम, इसकी मात्रा आपको 50 ग्राम रखनी है जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसी तरीके से व्हिस्क से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कलर थोड़ा कम आया है तो हम थोड़ा सा कलर इसके अंदर दोबारा ऐड करेंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा तंदूरी मशरूम का मसाला बनाने का तरीका। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट इसमें कलर आया हुआ है, और आगे हम आपको पूरा रेडी करके दिखा रहे हैं। तो हमारी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। इसमें क्या है, आपको सिर्फ नमक चेक करना रहेगा, वो क्या है कि आप अपने टेस्ट अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम तंदूरी मशरूम भर करके सलिया में पूरा एक्स वाई जेड रेडी करके आपको दिखा रहे हैं, और आपको बारीक सलिया लेना है। बारीक सलिया में इसी तरीके से जो है मशरूम को भर लेना है मसाला लगाने के बाद में। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत इजी है, आप ऐसे ही हमारी वीडियो देख करके बनाएंगे। तो आप क्या है घरों में और अपने फैमिली मेंबर के साथ में फुल एंजॉय कर सकते हैं। यही चीज़ें आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती हैं, और हमारी ऐसी वीडियो देख करके आप ये चीज़ें अपने घरों में भी बना सकते हैं। तो हमने इसको भर लिया, और नीचे एक प्याज का टुकड़ा लगा लेना है आप। उसके बाद में हम इसको तंदूर में डालेंगे, वो भी सलिया आपको क्रॉस रखना है इस तरह, और इसको हम फिर से अभी बंद कर देंगे। तो हमने एक मिनट के लिए तंदूर बंद करके रखा था, और एक मिनट के बाद में इसको देखेंगे, ये हमारा हाफ डोम हो चुका होगा। जी हाँ, ये हाफ डोम हो चुका है। अब इसको हम फिर से एक 30 सेकंड के लिए वापस डालेंगे, और वापस डालने के बाद में फिर इसको हम 30 सेकंड के लिए बंद कर देंगे, और हमारा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 30 सेकंड के बाद में। जी हाँ, ये हमारा तंदूरी मशरूम एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, अब इसको सर्व करने के लिए तैयार है। तो इसको हम उतार लेंगे। आपको इसी तरीके से उतार लेना है। दोस्तों ये ड्राई आइटम है, और इसको आप क्रीमी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ड्राई की वीडियो बना करके आपको दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, ले लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा हम बटर लगा देंगे। दोस्तों ये हमारा तंदूरी मशरूम एकदम तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा तंदूरी मशरूम बनाने का तरीका। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों सबका साथ सबका विकास। दोस्तों इस पे सबका विश्वास है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस बेल आइकन वाली घंटी को ऑल करना। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों। और कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो लेन में देख सकते हो दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।